बड़ी खबर मिल रही है, उत्तराखंड के 4 जिलों में हाई अलर्ट है। जुम्मे की नमाज को लेकर यहां भी हाई अलर्ट की खबर मिल रही है। तो पुलिस मुख्यालय की तरफ से निर्देश जारी किया गया है, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल में, उधम सिंह नगर में यह हाई अलर्ट जारी किया गया है। जुम्मे की नमाज के मद्देनजर ये फैसला कि यहां पर भी सतर्कता बरती जाए, चौकन्ना रहा जाए, क्योंकि ठीक एक हफ्ते पहले ही जुम्मे की नमाज के बाद जैसी तस्वीरें आईं, वो कोई नहीं चाहेगा कि कहीं पे भी फिर से दोहराई जाएं। इसीलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सभी आए अलर्ट। जुम्मा है तो नॉर्मली पिछली यूपी का जो अनुभव रहा है, जुम्मे पे काफ़ी घटनाएं हुई हैं, हिंसक घटनाएं भी हुई, शांति भंग हुई। लकीली हमारे यहाँ सभी ने अभी तक मैच्योरिटी दिखाई है, सभी ग्रुप्स ने, सभी समर्थकों ने भी, विरोधियों ने भी, और अभी तक कोई हिंसा उत्तराखंड में नहीं हुई है। और हमारी पुलिस भी शुरू से सजग है, सतर्क है, और सब जगह हमने ड्यूटियाँ लगाई हैं। उसी के तहत आज भी हमने पूरा अलर्ट जारी किया है, विशेषकर 4 बड़े जिलों में, जिससे कि वो जुम्मे के दौरान कोई किसी तरह की अप्रिय घटना न हो, शांति भंग की कोई घटना न होने पाए। जानकारी लेते हैं विनोद, ये बताइए कि क्या कोई अंदरूनी सूत्रों से, इंटेलिजेंस से खबर है, या सिर्फ एहतियातन ऐसे ही इन जगहों को चिन्हित किया गया है? जी देखिए, नागरिकता कानून का लगातार उत्तराखंड में विरोध होता रहा है, और जिस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में जिन से घटनाएं सामने आई है, और लगातार जुम्मे के दिन यानी शुक्रवार के दिन ही ऐसी घटनाएं पूर्व में देखी गई है अलग अलग राज्यों में, उसको देखते हुए एहतियात के तौर पर 4 जनपदों में हाई अलर्ट किया गया है, जिसमें राजधानी देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, नैनीताल के जनपद, नैनीताल जनपद शामिल है। ऐसे में कुछ इंटेलिजेंस के पास में कुछ दूसरी जानकारी ऐसी है कि कुछ हिंसा उत्तराखंड में भी हो सकती है, तो उस लिहाजा देखते हुए पूरी तरह से सतर्कता बरतने के निर्देश पुलिस मुख्यालय की ओर से जनपदों के एसएसपी और डीएम को दिए गए हैं, ताकि कोई अप्रिय घटना और हिंसक घटना उत्तराखंड में ना हो। ठीक है विनोद, हम अगली खबर पे भी आपसे अपडेट लेंगे, इसीलिए आप बने रहिए। लेकिन जो जानकारी विनोद ने दी वो थोड़ा सा मैं समराइज करके बताऊं, ये जुम्मे की नमाज के बाद एहतियातन इन जगहों पर किसी तरह का कोई अशांतपूर्ण माहौल ना हो, चौकसी बरती गई। जुम्मा है तो नॉर्मली पिछली यूपी का जो अनुभव रहा है, जुम्मे पे काफ़ी घटनाएं हुई हैं, हिंसक घटनाएं भी हुई हैं, शांति भंग हुई। लकीली हमारे यहाँ सभी ने अभी तक मैच्योरिटी दिखाई है, सभी ग्रुप्स ने, सभी समर्थकों ने भी, विरोधियों ने भी, और अभी तक कोई हिंसा उत्तराखंड में नहीं हुई है। और हमारी पुलिस भी शुरू से सजग है, सतर्क है, और सब जगह हमने ड्यूटियाँ लगाई हैं। उसी के तहत आज भी हमने पूरा अलर्ट जारी किया है, विशेषकर 4 बड़े जिलों में, जिससे कि वो जुम्मे के दौरान कोई किसी तरह की अप्रिय घटना न हो, शांति भंग की कोई घटना न होने पाए। जानकारी लेते हैं विनोद, ये बताइए कि क्या कोई अंदरूनी सूत्रों से, इंटेलिजेंस से खबर है, या सिर्फ एहतियातन ऐसे ही इन जगहों को चिन्हित किया गया है? जी देखिए, नागरिकता कानून का लगातार उत्तराखंड में विरोध होता रहा है, और जिस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में जिन से घटनाएं सामने आई है, और लगातार जुम्मे के दिन यानी शुक्रवार के दिन ही ऐसी घटनाएं पूर्व में देखी गई है अलग अलग राज्यों में, उसको देखते हुए एहतियात के तौर पर 4 जनपदों में हाई अलर्ट किया गया है, जिसमें राजधानी देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, नैनीताल के जनपद, नैनीताल जनपद शामिल है। ऐसे में कुछ इंटेलिजेंस के पास में कुछ दूसरी जानकारी ऐसी है कि कुछ हिंसा उत्तराखंड में भी हो सकती है, तो उस लिहाजा देखते हुए पूरी तरह से सतर्कता बरतने के निर्देश पुलिस मुख्यालय की ओर से जनपदों के एसएसपी और डीएम को दिए गए हैं, ताकि कोई अप्रिय घटना और हिंसक घटना उत्तराखंड में ना हो। ठीक है विनोद, हम अगली खबर पे भी आपसे अपडेट लेंगे, इसीलिए आप बने रहिए। लेकिन जो जानकारी विनोद ने दी वो थोड़ा सा मैं समराइज करके बताऊं, ये जुम्मे की नमाज के बाद एहतियातन इन जगहों पर किसी तरह का कोई अशांतपूर्ण माहौल ना हो, चौकसी बरती गई। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।